सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में बीते 10 सितंबर को एक अधेड़ व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर देने के मामले में पुलिस ने 4 दिनों में न केवल हत्याकांड का खुलासा किया बल्कि हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार शख्स मृतक अधेड़ के बेटे और दामाद बताए जा रहे हैं। सुपौल पुलिस अधीक्षक से शैशव यादव ने गुरुवार को स्मरणालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को पूरी घटना की जानकारी और किस तरीके से इसका उद्भेदन किया गया है इसके विषय में बताया है। संवाददाता दिलदार खान के साथ देखिए यह अहम रिपोर्ट। 10/9/23 को पिपरा थाना अंतर्गत एक शव मिला था जिसका गर्दन कटा हुआ था। ये रामनंदन मंडल के बगीचा में मिला था। शव की पहचान की गई अनुसंधान के क्रम में और यह पता चला कि यह सूरतलाल मंडल साकिन राजपुर थाना पिपरा का ये शव है। अग्रतर अनुसंधान की गई। अनुसंधान के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि ये मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं रहते थे और उससे परेशान होकर काफ़ी घर के सदस्य और इनके बाल बच्चे परिवार सब लोग परेशान रहते थे। उसी वजह से इनका बेटा और इनका दामाद ये दो व्यक्ति ने मिलकर इनको मारने की साजिश रची और उसके बाद ये एक गाड़ी ला करके इसको इलाज के बहाने ले गए। इनका दामाद है महादेव मंडल विजय कुमार उर्फ महादेव मंडल और उसके साथ वो बगीचा में ले गए और घर से ही हाथ बांध करके ले गए थे और बगीचा के बगल में एक नहर है रोड जहाँ पर उतरती है वहाँ से उतरकर ये इसको नहर में ले गए और कचिया से इसका गर्दन काट के इसकी हत्या कर दिया। अनुसंधान के क्रम में उसकी गिरफ्तारी हो गई है। एक बेटा है प्रकाश कुमार उसकी गिरफ्तारी हो गई है। विजय कुमार उर्फ महादेव मंडल दामाद है उसी भी गिरफ्तारी हो गई है। दोनों ने घटना को कन्फेस कर लिया है। घटना में प्रयुक्त कचिया उसको भी रिकवर कर लिया गया है और अगतर अनुसंधान जारी है। यह अनुसंधान का विषय है। अभी तक जो अनुसंधान में यही तथ्य है अगतर अनुसंधान जारी है और जो भी इसमें संलिप्त होंगे जिस पर भी साक्ष्य आएगा उन पर कार्रवाई होगी।